जीव जैन के मुंह से फॉरगेटफुलनेस वाली वाइन के बारे में सुनकर फंशल चौंक गया और जीव जैन को शांत करता हुआ कहता है, यहाँ मेरी ओर देखिए, आपको उस भुला देने वाली वाइन के बारे में कैसे पता है? जीव जैन कहता है, मैंने तुम्हें ये कहते सुना था। तो फंशल चौंक गया कि नहीं, ये मेरा सपना नहीं है, क्या ये उसके कॉन्शियसनेस की दुनिया है, मतलब जीव जैन के दिमाग के अंदर की दुनिया। वो जीव जैन को कहता है, योर मैजेस्टी, आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस अभी यहाँ पे है और आपका प्रिमोर्डियल स्पिरिट डिसअपीयर नहीं हुआ है ना? ऐसे कोई भी अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस में किसी को भी नहीं आने देता, आपने मुझे अंदर आने दिया तो मैं बहुत खुश हूँ। जीव जैन कहता है, हाँ एक मिनट रुको, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फंशल कहता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मेरे बारे में सोचिए कि मैं आपके लिए क्या हूँ। आपने उस फॉरगेटफुलनेस वाइन के बारे में सुना था है ना? तो फिर जीव जैन सोचता है और उसे याद आ जाता है और कहता है, मैं उस पपेट को ज्यादा देर पजेस नहीं कर सकता था और मेरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट बहुत ही वीक था और तुम्हें लगा कि मैं तो पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन मैं तुम्हें अंदर से थोड़ा थोड़ा सुन रहा था कि तुम पागल हो गए थे और बकवास कर रहे थे, रो रहे थे और हंस रहे थे, और फिर आखिर में तुमने कहा कि तुम मुझे भूलना चाहते हो और तुम खुद को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। मैं तुम्हें इस तरह से तो नहीं रोक सकता था, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करके मेरी कॉन्शियसनेस में तुम्हें खींच लिया। जीव जैन फिर अपने एडल्ट रूप में आता है और कहता है, तुम तो हर वक्त इतना रोना धोना करके ऐसी मुसीबतें लाते ही रहते हो। फंशल उसे देख के खुश हो गया और कहता है, यो मैजिस्टी, आप वापस आ गए, आप जितना चाहे उतना मेरा मजाक उड़ाइए, लेकिन प्लीज मुझे आगे से छोड़कर मत जाइएगा। लेकिन अभी ही आपने जो कहा मुझे वो समझ में नहीं आया, क्या आपको डर है कि मैं आपको भूल जाऊंगा? जीव जैन अपने हाथ को क्लेंच करता है और कहता है कि उसने आज तक बहुत सारे बुरे काम किए हैं, वो ऐसे ही मर जाए और कोई उसे याद ना रखे तो उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा। उसने तो ये डिसाइड किया था कि जब वो मरेगा तब वो अपनी हिस्ट्री पूरी तरह से इरेज करके जाएगा, ताकि उसके बारे में फिर किसी को कुछ पता ही ना रहे कि ऐसा कोई था भी। फंशल ये सुनकर चौंक गया और कहता है, यो मैजेस्टी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उस इविल हेवन को मारने के लिए कितना कुछ किया है, आपने इस पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, लोग आपको कैसे भूल सकते हैं? लेकिन जीव जैन कहता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, सब लोग मुझे भूल जाए तो चलेगा, लेकिन तुम सिर्फ एक नहीं भूल सकते हो। और वो फंशल के फेस पर कर्ज करता है। फंशल कहता है, तो फिर आपने अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को ये क्यों कहा था कि मुझे पुनर्जन्म के रास्ते भेज दे? जीव जैन कहता है, वो तो बहुत पहले की बात है, तब यूनिवर्स का फन्ना सभी रेडी हुआ ही था, लेकिन फिर बाद में मैं ये नहीं चाहता था, और तुमने अभी ही मेरा बचपन का रूप तो देख ही लिया ना। मैं पहले ये नहीं सोचता था कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मैं उस पर कभी गिव अप ही नहीं करता था, और उस अकेली अंधेरी रातों में सिर्फ तुम ही मेरे क्लोज थे, मेरा दिल एकदम पत्थर जैसा था, मैं उस वक्त प्यार और नफरत नहीं समझ पाता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ के बिना नहीं जी सकता था। फंशल कहता है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो आपसे पहले कितना क्रूर बिहेव करता था। जीव जैन अपना सर पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम तो इतने भोले हो, क्या तुम्हें सच में ये पता नहीं चला? एक्चुअली उस वक्त मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, तो इसका मतलब पहले जब फंशल जबरदस्ती जीव जैन के साथ इंटीमेट होता था तो असलियत में ऐसा नहीं था, जीव जैन भी वो चाहता ही था, क्योंकि हेवन जीव जैन पे हर वक्त नजर रखता था, वो क्या सोचता है वो भी उसे पता चलता रहता था। लेकिन अगर जीव जैन फंशल के साथ इस तरह से हो तब हेवन उसकी ओर नहीं देखता था, मतलब हेवन को इतनी तो शर्म थी कि वो जीव जैन की सेक्सुअल लाइफ पे जासूसी नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए ही उस वक्त ही जीव जैन उसके खिलाफ प्लान सोचता था कि उसे आगे आगे क्या करना है। फंशल ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया कि उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया हो। जीव जैन कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम सिर्फ उस भट्टी को संभालते थे, तो इसीलिए ही मैं तुम्हें अपने पास रख रहा था, अगर तुम मेरे इस तरह से काम के ना होते तो हजारों रास्ते थे तुम्हें मुझसे दूर करने के, तुम जरा से भी मेरे पास नहीं आ पाते बेवकूफ मछली। फंशल को इससे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होने लगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। फिर फंशल जीव जैन को अपने साथ ले जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा बेड था, वो जीव जैन को उस पे सुला देता है और वो उसके ऊपर आ गया।